नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज में निर्माणाधीन पुल के स्लैब गिरने पर उद्योग मंत्री ने खड़े किए सवाल, कहा ऐसे संवेदक के कारण ही बिहार देश दुनिया में होता है बदनाम। चैती दुर्गा पूजा में हुए विवाद को लेकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता से पेट्रोलियम उत्पाद लेकर आ रही टैंक लॉरी अनियंत्रित होकर पलटी, तेल लूटने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाने को लेकर एसएसपी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, थानेदार को दिए आवश्यक निर्देश। और ईद के मौके पर इत्र की खुशबू से महक उठा बाजार। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने अपने दरभंगा दौरे पर भागलपुर स्थित गंगा नदी पर निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगवानी पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले की उच्च स्तरीय जांच सरकार द्वारा कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ऐसे में इस पुल का गिरना बेहद दुखद और सवाल खड़े करने वाला है। साथ ही मंत्री ने निर्माण कार्य करा रही कंपनी के कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसे ही ठेकेदार के कारण बिहार की देश दुनिया में बदनामी होती है और मामले की जांच के बाद ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 1710 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल के तैयार हो जाने से खगड़िया का सीधा संपर्क भागलपुर से हो जाएगा, जिससे दोनों जिले के बीच आवागमन बेहद सुलभ हो जाएगा। ये भागलपुर में बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार जी का था, वो पुल बनाना। सुल्तानगंज से जो पुल की शुरुआत हुई, वो पूरी उसकी जाँच होगी, जो ठेकेदार है उस पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि ये पुल तो डिलेड हो गया, सही से पैमाना बनाना चाहिए। इसके बारे में हमारी सरकार पूरी जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। इसकी पूरी जांच होगी, जो भागलपुर ज़िले में ये पुल गिरा है, अगर ये बनकर गिरा होता तो कितना नुकसान होता, और जो ठेकेदार है उसकी पूरी जांच की जाएगी और कार्रवाई भी करेगी सरकार। भागलपुर के बरारी सब्जी चौक के समीप घेराबाड़ी में शनिवार रात चैती दुर्गा पूजा में हुए विवाद को लेकर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। जख्मी युवक की पहचान पवन यादव उर्फ मेजर पुरानी घोरही रोड निवासी के रूप में हुई है। गोली उसके सीने से आर पार हो गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत नाजुक बताई है। पुलिस को दिए बयान में जख्मी मेजर ने बरारी पश्चिम टोला के भूषण यादव, राहुल यादव और रेमना यादव पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी पाकर सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार, जोकसर थानेदार अजय कुमार अजनबी, बरारी थाने के दरोगा हरिशंकर उपाध्याय के अलावे भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने तीनों के घर छापेमारी की, लेकिन सभी फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जब जेल से निकले छे तब मैं गोली लोगों को मारे छे, जब जेल से निकले छे तब मैं गोली लोगों को मारे छे। ई ने अररिया फारबिसगंज अनुमंडल के मिर्जापुर में रविवार की अहले सुबह कलकत्ता से पेट्रोलियम उत्पाद लेकर आ रही टैंक लोरी फारबिसगंज रानीगंज मुख्य सड़क मार्ग पर मिर्जापुर के समीप अनियंत्रित होकर मक्के के खेत में पलट गई। वहीं घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिलते ही सभी मौके पर पहुंचकर टैंक से तेल लूटने लगे, मानो कि ग्रामीणों के हाथ को एक खजाना लग गया हो, और देखते ही देखते ग्रामीण तेल लूट कर वहां से फरार हो गए। हालांकि इस घटना में टैंक लोरी चालक बाल बाल बच गया और फिलहाल वो पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। वहीं कई घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची और वहां से लोगों को भगाया और टैंक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जिले के पुलिस कप्तान बाबूराम शनिवार को नाथनगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने ईद पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान एसएसपी ने लोगों से त्यौहार को शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। बैठक में शामिल शांति समिति और पूजा समिति के लोगों ने भी एसएसपी की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने अपने इलाकों में पर्व के दिन शांति व्यवस्था बहाल रखने का भरोसा दिया। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि ईद
के दिन नाथनगर कर्णगढ़ स्थित ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की जाएगी। इधर पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष सभी त्यौहार को हम घर के बाहर निकल कर मना रहे हैं और इसी तरह हजारों की संख्या में मुसलमान भाई भी ईद के दिन CTS कर्णगढ़ स्थित ईदगाह मैदान में नमाज अदा करने पहुँचेंगे। इसके अलावा समाजसेवी देवाशीष बनर्जी ने कहा कि ईद भाईचारगी एवं प्रेम का त्यौहार है और इसमें गले मिलकर सभी इस त्यौहार को मनाएंगे। मौके पर पार्षद मोहम्मद निजाहत अंसारी, भवेश यादव, अशोक राय, हाजी कलीम समेत कई लोग उपस्थित थे। वहीं बैठक के बाद SSP बाबूराम CTS ईदगाह मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने थानाध्यक्ष के साथ CTS स्थित ईदगाह मैदान का निरीक्षण कर इंस्पेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इधर बांका के धौरैया थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अमर कुमार मिश्रा, धौरैया अंचलाधिकारी हंसनाथ तिवारी एवं थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय सहित थाना क्षेत्र के दोनों समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए। बैठक में ईद को लेकर विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए विस्तार से चर्चा की गई, जबकि दोनों समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर त्यौहार मनाने की बात कही। वहीं थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने कहा कि दोनों समुदाय में कुछ शरारती तत्व होते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज को तोड़ने और उपद्रव मचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। मौके पर जिला परिषद सदस्य बलजीत सिंह बिट्टू, मुखिया मोहम्मद जहांगीर, आलोक तुषार, SI भूषण प्रसाद, मुखिया अमरेंद्र कुमार सिंह समेत काफी संख्या में ग्रामीण और पुलिसकर्मी उपस्थित थे। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के कारण चौपट हो चुकी इत्र की बिक्री में फिर उछाल आ गया है। रमज़ान और ईद ने इत्र कारोबारियों के लिए ऑक्सीजन का काम किया है। पर्व के मौके पर दम तोड़ते कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। भागलपुर के तातारपुर बाजार में हर तरह के देशी विदेशी इत्र एवं परफ्यूम मिल रहे हैं। वहीं पवित्रता को देखते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रमज़ान में परफ्यूम की जगह इत्र को तरजीह दे रहे हैं। ईद पर लगने वाला मार्केट भी इत्र के शौकीनों से गुलजार है, जबकि तातारपुर स्थित शेरशाह कॉम्प्लेक्स के न्यू सुगंध स्टोर में सुबह से देर रात तक इत्र खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल इस स्टोर में खुदरा और थोक इत्र एक ही दाम पर बिक रहे हैं। वहीं न्यू सुगंध स्टोर के प्रोप्राइटर महबूब आलम ने बताया कि उनके यहां 20 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक के देशी विदेशी इत्र उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में लोग इत्र निजी इस्तेमाल के अलावे परिजनों और रिश्तेदारों को तोहफे में देने के लिए भी खरीदते हैं। दुकानदार की माने तो इस बार ईद के अवसर पर लोग सऊदी अरब और दुबई से मंगाई गई इत्र फातिमा, मुकल्लत, सफेद मुस्क और बेलियम को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की इत्र भी खूब बिक रही है। इत्र कारोबारी महबूब आलम ने बताया कि न्यू सुगंध स्टोर से जो लोग 2 इत्र खरीद रहे हैं उन्हें 1 सुरमा मुफ्त में दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि ईद के मौके पर भागलपुर के अलावा दूसरे जिले से भी लोग तातारपुर मार्केट इत्र खरीदने आते हैं। इधर ईद उल फितर को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है और उमस भरी गर्मी के बावजूद बाजार इत्र की खुशबू से महक रहा है। 2 साल बाद चारों तरफ रौनक दिख रही है। माशाल्लाह, इस बार जो है, जो 2 साल में कोरोना काल में जो लोग परेशान हाल थे और 2022 में बहुत ही लोगों में खुशी है, उत्साह है और सब लोग इत्र की तरफ, क्योंकि ये ईद जैसे त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हैं और मुसलमानों के लिए एक खुशी लेकर आता है। तो इसमें इस बार हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो है इत्र के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं वो विशेष करके अच्छे से उमदे से उमदा अतर लेना चाहते हैं। तो हम लोग इसके लिए उनके डिमांड पर बाहर के भी, हिंदुस्तान से बाहर दुबई, सऊदीया वगैरह से जो इत्र आता है उसको भी मैंने मंगवाया है और हमारी दुकान से न्यू सुगंध स्टोर में लोग आ रहे हैं और इत्र ले रहे हैं। क्यों, इन इत्र जो है आप जानते हैं, जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसके पहले जो है नए कपड़े पहनते हैं और ईद इत्र का लगाकर जाना सुन्नत रसूल है, इसलिए इत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भागलपुर सुल्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर रविवार को नगर परिषद के सरकार भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्वच्छता कर्मी, सफाई जमादार एवं चालक को स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र एवं सुरक्षा किट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सफाई निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे, प्रधान सहायक राजीव रंजन और कंप्यूटर ऑपरेटर चंदन कुमार ने सभी स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया। मौके पर नगर परिषद के तमाम कर्मचारी मौजूद थे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आप
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 10 इस्लामगंज में देर रात अचानक फूस के घर में आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस आगजनी की घटना में अशोक यादव के पासा में रखा हजारों रुपये का भूसा जलकर राख हो गया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि मोहम्मद इसराइल के घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और इस घटना में लाखों रुपये का सामान आग की भेंट चढ़ गया। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर घटना की जानकारी मिलते ही देर रात वार्ड 10 की पार्षद नाजमा खातून और प्रतिनिधि शाहनवाज कासमी मौके पर पहुंचे और आग से पीड़ित परिवार मोहम्मद इसराइल मंसूरी एवं अशोक यादव से मुलाकात कर आग आपदा के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। मौके पर साहिल कासमी, मोहम्मद फिरोज मंसूरी, आमिर खान, मोहम्मद सिराज अंसारी सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इन दिनों भागलपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग तेज हवाओं और धूल के कारण परेशान हैं, साथ ही लू ने भी मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं शहर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां के वासिंदे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इधर PHED और नगर निगम की उदासीनता के कारण पिछले कई महीनों से वार्ड में लगा चापाकल खराब है। वहीं कुछ लोग अपने निजी फंड से जनता की समस्या दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 40 के समाजसेवी वसीम खान उर्फ लल्लू ने तातारपुर केविन गली में वर्षों से खराब पड़े चापाकल को ठीक करा दिया। उन्होंने बताया कि चापाकल का निर्माण विधायक फंड से कराया गया था, कुछ दिन चलने के बाद चापाकल बंद हो गया। फिर कई अधिकारियों से इसे ठीक कराने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं ईद के मौके पर चापाकल खराब रहने से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही थी। वसीम खान ने कहा कि गर्मी में सबों को राहत मिले, इसी उद्देश्य से उन्होंने खुद की राशि खर्च कर हैंड पंप दुरुस्त करवाया। गौरतलब है कि विभाग की लापरवाही के कारण दर्जनों चापाकल मरम्मती के अभाव में दम तोड़ रही है। विप्र फाउंडेशन बिहार जोन 5 भागलपुर शाखा की ओर से परशुराम जयंती को लेकर रविवार को भागलपुर देवी बाबू धर्मशाला में देशव्यापी एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में रक्तदान करने वाले लोगों के आने का सिलसिला दिन भर जारी रहा और लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर को लेकर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्रा पप्पू ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया, जिसमें रक्तवीरों ने 13,000 यूनिट का संकल्प लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इधर भागलपुर में आयोजित शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसको लेकर प्रदेश महासचिव हरि प्रसाद शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक दीपक कुमार शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय ब्लड बैंक की टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिविर में प्रचंड गर्मी को ध्यान में रखते हुए कई तरह के इंतजाम किए गए थे। बता दें कि कार्यक्रम के सह संयोजक नरोत्तम शर्मा ने शिविर में सबसे पहले रक्तदान किया और आम लोगों से भी रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की। मौके पर विनीत बुधिया, अश्वनी जोशी मोंटी, संदीप शर्मा, जॉनी संथालिया समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भागलपुर यूनियन बैंक रिक्रिएशन क्लब की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। दावत इफ्तार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप क्षेत्र प्रमुख ओम प्रकाश जायसवाल, परिजात कुमार, राजीव रंजन, शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार समेत कई अधिकारी, कर्मी और क्लब के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान रिक्रिएशन क्लब के अध्यक्ष प्रणय पांडे, उपाध्यक्ष प्रीतम कुमार, सचिव बालकृष्ण पोदार और मोहम्मद गासी ने कहा कि इफ्तार पार्टी के माध्यम से हम सभी लोगों को साथ लेकर चलने का संदेश देना चाहते हैं। बैंक कर्मियों ने बताया कि सभी धर्मों के बीच भाईचारा और आपसी सौहार्द बना रहे, इसके लिए सामूहिक रोजा इफ्तार खास महत्व रखता है। मौके पर संदीप झा, विश्वजीत कुमार, नीतीश कुमार, शैलेश कुमार चौधरी, सुनील कुमार, आशीष शर्मा समेत सभी बैंक कर्मी मौजूद थे। प्रवीण कुमार प्रणव द्वारा रचित प्रणव की श्रेष्ठ कविताएं
पुस्तक का विमोचन रविवार को जेपी विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति डॉक्टर फारूक अली ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि मुंगेर विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और उर्दू राबता कमेटी भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद रजमी के अलावा सफाली युवा क्लब की सबिया फैज, डॉक्टर आलोका और अतिथि व्याख्याता प्रियंका ने विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि उनका एक शिष्य उस मुकाम पर पहुंच गया है जिससे गुरु का सम्मान और भी बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने शिष्य की पुस्तक का विमोचन करना किसी भी गुरु के लिए बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रणब की कविताएं सामाजिक सरोकार से जुड़ी है और पाठक को बार बार पढ़ने के लिए विवश करने वाली है। इधर मुख्य अतिथि डॉक्टर शाहिद रजमी ने कहा कि साहित्य किसी की जागीर नहीं और प्रवीण कुमार प्रणब ने इस बात को चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के छात्र होते हुए भी प्रणब ने साहित्य में अपना सफलता साबित की है। वही कार्यक्रम में प्रवीण कुमार प्रणब ने अपने जीवन यात्रा और कविताओं से जुड़े कई संस्मरणों को साझा किया और इसे अपने गुरुजनों को समर्पित किया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज में निर्माणाधीन पुल के स्लैब गिरने पर उद्योग मंत्री ने खड़े किए सवाल, कहा ऐसे संवेदक के कारण ही बिहार देश दुनिया में होता है बदनाम। चैती दुर्गा पूजा में हुए विवाद को लेकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता से पेट्रोलियम उत्पाद लेकर आ रही टैंक लॉरी अनियंत्रित होकर पलटी, तेल लूटने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाने को लेकर एसएसपी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, थानेदार को दिए आवश्यक निर्देश। और ईद के मौके पर इत्र की खुशबू से महक उठा बाजार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।